ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिंग कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज जी की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियावती रामचंद्र महाराज जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चिया जोता वाली माता पाड़ी सदाई जय। गुरु रूप सासंग जी, आज हम सब ने मिलके बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द सुने, और ऐसी बात नहीं, गुरु का दरबार हो, मन में सच्चाई हो, हृदय में तो कौतक ना हो, ऐसा कभी नहीं। जब हृदय शुद्ध होता है तो ईश्वर वो अपनी चेतनता ही प्रकट करते हैं, चाहे किसी बच्ची के रूप में करें, चाहे किसी भी, सभी आत्माएं उसकी है, सभी के अंदर उसी की ही ऊर्जा है, वो किसी ना किसी रूप में अपनी सच्चाई बताता है, मैं हूं, घबराना मत, मैं हूं, तू बस यही शम्मा जला के रख। जब तक मैं आता नहीं, तेरे हृदय में वास नहीं करता, तू इस शम्मा को जल, ये कोयला जलता रहना चाहिए, ये धर्म का कोयला है, इसकी राख नहीं बननी चाहिए। यानी कि अपने हृदय को इतना शुद्ध, इतना नर्म, इतना ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, क्योंकि शर्म पड़ेगी लाज रखो, उसको लाज रखनी पड़ती है जो इसकी शरण पड़ता है, वो लाज ना रखे। मुझे सतगुरु महाराज ने एक बार बात कही थी, मैं कहा जी सच्चा भी मन हो, मंदिर भी बंदा जाता हो, मत्था भी टेकता हो, हृदय च कोई छल कपट भी ना हो, तो फिर बंदे का कम ना बने, क्योंकि असि तो काम ही लगना, असि कुछ शब्द लैके सीधा धुर मके नहीं सी जा, कोई ना कोई स्वाद सी ना चिन्ह देखा सी कि साडे कम कर सकते। माफ करना कौड़ी गल है, पर है सच्ची। कहते फिर ओदे मथे ते ना काला टिक्का ला दो जे कम नहीं, तो शंकर भगवान की कहते कम ने करने ने, चाहे दुनिया कर दी अंदर हो जाए, किन्ना को विरोधता कर लांगे, किन्ना को नफरत कर लांगे उदे बंदियां तो, आखिर सिर छुट नहीं। ये प्रभु की लीला है, किसे अपने कल्ले बंदे का खेड नहीं है। एक बहुत ही वाजपेयी यज्ञ मेरे छोटे वीर रजेश शर्मा ने बोलिया है, वाजपेयी यज्ञ का मैं थोड़ा जहा जिको के मतलब दस दिया। वाजपेयी यज्ञ है जन समूह दे विच ईश्वर दे धर्म दे नाम दा एंटरटेन कर रहे, जिदा आ तुसी कर रहे हो, सम्मेलन कर रहे हो, शोभा यात्रा कर रहे हो, ए सारा वाजपेयी यज्ञ है, ए फल मिलता जन समूह नु इकट्ठा करके धर्म दे काम नु अपनाना, सारे नु उस पासे लाना, ओ वाजपेयी यज्ञ है। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम, हे प्रभु राम, जय
जय जय राम प्रभु राम जय जय राम मेरे जय जय राम मेरे श्री राम जग मार महात्म जिन से भजना ही खोलना गला गल नहीं खोल शंकर भगवान की जिस तरह सखा 13 तरीक गुरु कृपा दे नाल सतगुरु महाराज जी की रहमत दे नाल पाठ का भोग पैना है सवेरे 9:30 जो कमेटी निश्चित करेगी समा उहदे मुताबक उहदे विच लंगर का जो बनना है कंद मूल उसका आगमन शुरू हो गया है। अज शाम को भैन जी ने वैसे पहला भी आया है मैनू नहीं सी पता उस गल का बाले की रोटी की कहते बालू बाल की उस परिवार चो 500 रुपया बेहद कमाया और लंगर एक भैन जी हूं दे के गए ने लंगर लंगर की महत्ता है इसे अध्याय कोई अध्याय करांगे अपनी गल करांगे गुरु महाराज नाल संतां नाल बैठ के क्योंकि जो अपने क्योंकि कम ते अपना करना है हिरदे ते अपने नूं उहदे नाल लाना है शास्त्र विचों भी उही ढूंढना है अपने हिरदे चों भी उही चीज ढूंढनी है ते ओ एक वारी तुहानूं जप्पी फम के गले ला के रोण लग पवे ओ ए कवे तू मेरे तो विछड़िया सहज मिल गया ओ कवे बोल तेरी रजा की है तू नाम नूं कह तू सिर्फ उहदे अर्पण कर ओ आप कवे आके बोल की चाहिए तेनूं तू मेरे तो विछड़िया सा मेरे को आ गया जिदा एक पुत्र प्यो तो विछड़दा है 2-3 साल बाद 10 साल बाद 20 साल बाद बारों मिलता है ते ओना दा जो मिलाप दोनों दी अखां च अत्थरू होंदे प्यो कहिंदा मैं सारी दुनिया की दौलत लुटा इस भाव दे नाल इहनूं मिलोगे ये प्राप्त होण बोल सतगुरदेव महाराज की परम पूजनीय महात्मा ज्ञान गिरी जी महाराज की इसे भाव नाल ही प्राप्त होंदे ने बस ओनू एक चीज नहीं चाहिए छल कपट स्वार्थ विरोधता नफरत ये चीजा जब तक साडे अंदर ने तब तक उन्हें बोलना ही जो मर्जी करो तब तक नहीं उन्हें बोलना ओ ना घर देखता ना बाहर देखता ये संत लोग गुरु लोग सकी मां दे सके नहीं होंगे ਬੋਲ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਚ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੋਂ ਮੈਂ ਤੋ ਇਹੀ ਲਿਖ ਆਈਏ 9th ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਰਜੇਸ਼ ਰਾਧੇ ਜੀ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸ਼ਰਵਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਨੋਟ ਰੱਖੀ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਚ ਛੱਡਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਜੀ ਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੱਥੀ ਕਰੋ ਤੇ ਹੱਥੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ ਸਾਫ਼ ਸੂਫ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਰੋਡ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਚ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਈ ਆਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਉਹ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀ 9th अध्याय यमदूत कहने लगे मध्यान कहते हैं बीच का समय चाहे वो दोपहर का हो चाहे रात्रि का हो दोपहर 12 बजे के बाद लगा लो या रात्रि बाद आया हुआ अतिथि इतनी धूप में दोपहर अतिथि को आपके घर में अतिथि आ गया अतिथि कहते मेहमान या पंडित विद्वान कोई चाहे मूर्ख भी क्यों ना ऐसा लिखा वेद पाठी या पापी कोई भी हो चाहे वेद पाठी हो चाहे पापी हो वो ब्रह्म के समान होता है जो दोपहर को आता है पता नहीं किस रूप में वो क्या कहने आपको आया क्या करवाने आया हमसे सभी तो उसकी ऊर्जा है जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता
वह स्वर्ग का वासी होता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब स्वर्ग दो प्रकार के हैं, एक भूमि पे स्वर्ग यहां पर खुशियां झेलो, एक स्वर्ग लोक भी है वहां देव रूप बन के अपना आकांक्षाएं पूरी करो। स्वर्ग लोक में जाते हैं अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित में, अतिथि देवो भवा ईश्वर के समान परमात्मा के समान, उसे मामूली ना समझना। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए, ऋषि भी मुनि भी अतिथि सत्कार से प्राप्त हुए। एक आलू बाबा सन जम्मू असी उन्हां दे ओ आलू ही खांदे सी, असी शूटिंग करन गए उत्थे ते सारे जने बैठे सी, ओ अपनी जगह ते बैठ के उत्थे गैस रख्या होया सी, कहिंदे मेहमान आए किन्ने चार बंदे, चार प्लेट खाओ चावल बनाए 10 मिनट च साडे लई पहले प्रसाद का। एक सन्यासी फकीर आदमी साडे वास्ते अन्न बना दे, यानी कि अतिथि देवो भवा। एक जो ऋषि है वो भी, उसको तो पता ही होता है कि भगवान किस रूप में कहां कहां कैसे भी प्रकट हो सकता है, लेकिन आम आदमी को ये समझ होनी चाहिए जो कोई दोपहर को या अर्ध रात्रि को थका हारा मांदा आपके घर में मेहमान आता है तो वो आपसे निराश नहीं जाना चाहिए। इसी के ही पुण्य से, केवल इतने पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति। वो शंकर भगवान की, सियावर राम जय जय राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे श्री राम, जय जय राम मेरे श्री राम, जय जय राम। अब देखिए माघ महात्म की एक और बढ़िया चीज, जो एक समय आलस्य से सुस्ती भी पड़ी हो अधी राती अतिथि को भोजन करा रहे, वह यम का द्वार नहीं देखता, निंदर आई है पर अतिथि आ गया और उनको थोड़ी करना, आलस्य भी करता भोजन करा। अन्न की इतनी इंपॉर्टेंस है, आप ये जो लोग धन गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण कर रहे हैं ना, इसका मामूली ना समझना। ये पता नहीं कई युगों तक आपके भंडारे भरे रह गए, वो तो एक एक तिल का हिसाब देता, एक एक दाने का हिसाब देता है, वो इतना बड़ा समुद्र है खजाना। इसलिए वो यम का द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग जाने की इच्छा रखता है वह अन्न का दान करे, जो आप कर रहे हैं। स्वर्ग नहीं सुख, सुख की प्राप्ति अन्न दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर कोई दूसरा दान ही नहीं, जो गर्मियों में जल सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं वह कभी यम के दुख नहीं। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, पता है मैं जानबूझ के पंगा दे ले बैठा पर अहंकार च बैठा है, ओदा तो देना पैना है, पर जो प्रायश्चित नहीं करता उसका तो नुकसान, जो प्रायश्चित कर लेता है वह नरक को नहीं जाता, कम से कम नरक से बच जाता है, आगे चाहे रास्ता मिले या ना मिले। इसलिए कहते हैं कि कोई गुनाह ना कर, किसी का दिल ना दुखाओ, इसका रिजल्ट बहुत बुरा। जब किसी का दिल दुखाओगे तो इसका आपको पता नहीं ना, प्रैक्टिकल नहीं गुजरा, जब प्रैक्टिकल रिजल्ट सामने आएगा पता भी नहीं चलना कि आप पर हुआ क्या। इसलिए कभी किसी का दिल नहीं, जो काया वाचा और मन से किए हुए पापों को प्रायश्चित करता अपने जिस्म तो भी मन तो भी वचन तो भी, वह देव और गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को प्राप्त होता। जो नित्य व्रत तप तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं वे भयंकर यम को नहीं देखते,
नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न भोजन और दान त्याग दे। आस ना रखे, कई बंदे मैं देखे साडे दफ्तर च वी हुंदे ने, कहिंदे दुपहर हो गई अज उहदा खाना आना उहदे कोल बह जांदे ने। ये आस ना रखे कि मैंने उसके घर जाना है वहां रोटी तो मिल ही जाएगी। ये त्याग करना इस चीज का, पता नहीं वो बेचारा किस अवस्था में होगा। आपको हृदय से उस चीज का त्याग करना, उस बात नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पूर्व के समय में चलते जल में स्नान करते हैं वह बुरी योनि नहीं पाते ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले सुबह सूरज उगने से पहले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। तिलों का दान यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी सोना गऊ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। जैसे वो कहते धर्म का काम है इसको जमीन दे, वो भी बड़ा पुण्य लगता है चाहे कैसा भी हो। बुद्धिमान पुण्य तिथियों व्याधि बात तिथि संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होती। सत्यवादी मौन रहने वाला जो सच बोलता है और मौन रहता है किसी का दिल नहीं दुखाता। मीठा बोलने वाला क्षमाशील जो माफ करना जानता है, क्षमाशील नीतिमान किसी की निंदा ना करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराए गुणों का वर्णन करने वाला। यहां तो कहते हैं जी इनको क्या पता है हमने तो ये किया वो किया, कहना चाहिए वो अच्छा है मुझ में कमियां, ये कहना चाहिए। पराए गुणों का वर्णन करो जितना कर सकते वो भी पुण्य है। पराए धन को तृण के समान समझो, जो जिस फुलके पर आपका हिस्सा नहीं, जिस धन में आप आपका हक नहीं उस पर आंख मत रखो। ऐसे लोग जो पराए धन को तृण के समान समझते हैं, पराए गुणों को वर्णन करते हैं, सब प्राणियों पर दया करते हैं, क्षमाशील है, वह कभी नरक में नहीं जाते। बोल शंकर भगवान की, समा हो गया है। सियावर राम जय जय राम, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, शंकर भगवान की जय।